तो दोस्तों वेलकम बैक। ये वीडियो खासकर डेडिकेटेड है होस्ट फेक होस्टिंग कंपनी के ऊपर। ओके, तो मैं यहाँ से आज लाइव आपके सामने एक होस्टिंग परचेस करने जा रहा हूँ जो कि बेसिक प्लान होगा, और जब उसे मैं अपग्रेड करेंगे तो सीधे डिलक्स पे करेंगे। तो ये बातें मैंने ऑलरेडी अपने में व्लॉग एक्सपेरिमेंटल वीडियो में कहा था कि आपको डोमेन कहाँ से बाय करना है, आपको होस्टिंग कहाँ से बाय करना है। तो मैं एक बार फिर से एक रन डाउन कर लेता हूँ कि क्यों होस्ट फेक। देखिए, पहले जब किसी को कुछ नहीं पता होता है तो उनको पता है होस्टिंग का, क्योंकि होस्टिंग काफ़ी पॉपुलर है। इनका प्लान देखो, मोस्ट पॉपुलर जो कि 240 रुपये पर मंथ है, और जो कि इनका ये क्या वेब होस्टिंग प्लान है, होस्टिंग प्लान का जो प्रीमियम जो प्लान है जो कि सबसे ज़्यादा चलता है वो लगभग 129 रुपीज़ पर मंथ है। इतने रुपये आपको लगभग देने हैं। नहीं यार, आई थिंक मैं गलत जा रहा हूँ, वेब होस्टिंग पे जाता हूँ मैं। वेब होस्टिंग वाला ये है प्लान, और वेब होस्टिंग वाला प्लान में मैं चलूँ तो ये रहा इनका प्लान। ठीक है, तो इनके 69 वाले सिंगल प्लान में आपको वन वेबसाइट मिलता है, और मुझे यहाँ पे सब डोमेन कहीं दिख नहीं रहा है। फ्री डोमेन नहीं मिलता है यहाँ पे आपको, और सब डोमेन मुझे पता नहीं कि सब डोमेन दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है, मैं इतना देख नहीं पा रहा हूँ, उतना ज़्यादा लिखा हुआ है। तो देखो, हमें सबसे बेसिक में जाना है, तो इनका सबसे बेसिक जो प्लान है वो 70 रुपये का है, जो कि अच्छी बात है, बुरी नहीं है। बट ये आपको पड़ेगा, ये मंथली तब पड़ेगा जब आप इनका एक साल वाला प्लान लोगे, अदरवाइज़ ये लगभग 160 रुपये का है। वही मुझे एक होस्टिंग पता चला था, जब मुझे होस्टिंग से नहीं परचेस करना था तो मुझे पता चला था कि एम्बिशन होस्ट, तो एम्बिशन होस्ट सस्ता है, 60 रुपये का है। इसमें आप एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो और इसमें 3 सब डोमेन लगा सकते हो। तो हमारा सारा खेल जो गेम है ना, वो सब डोमेन के ऊपर है, क्योंकि हमें क्या करना है कि हमारा एक ही साइट होने वाला है जो कि बहुत सस्ता है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी, और उसी के ऊपर हमें बार बार साइट्स को नए नए बनाने हैं, चाहे कुछ भी हो। हमें अलग अलग डोमेन परचेस नहीं करना है, क्योंकि डोमेन आप परचेस नहीं करते हो, रेंट करते हो। और जब भी आप डोमेन परचेस करो तो आपको सीधे नेमचिप से परचेस करना है, क्योंकि वहाँ पर एडवांटेज मैं भी आपको बताता हूँ। ये तो हो गया एम्बिशन होस्ट, ठीक है, मैं इसको भी छोड़ दिया। फिर मुझे किसी वीडियो में दिखा कि होस्ट GB करके है, तो वो आपको फ्री में होस्टिंग देता है। फ्री में आप सभी लोगे, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि फ्री में क्या प्रॉब्लम है। इसमें कोई भी अनलिमिटेड बैंडविड्थ वगैरह वगैरह ये सब तो है, 300 SSG है, इसमें कोई सब डोमेन नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई टेस्टिंग वाला कुछ करने वाले हो या फिर ट्रायल करने वाले हो तभी आप इसके ऊपर जाना, जो कि होस्ट GB है। अदरवाइज मैं इसको भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, जो कि होस्ट GB मैंने एक वीडियो में देखा था, जिस वीडियो में मैंने होस्टोफिक देखा था उसी वीडियो में मैंने होस्ट GB भी देखा था, तो मैं ये भी रिकमेंड नहीं करूँगा। चलते हैं होस्ट फिक पे, जो कि अभी के लिए मेरा फेवरेट है, और मैं आज इसी के साथ एक होस्टिंग परचेस करने जा रहा हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि ना, इनका एक व्हाट्सअप सपोर्ट है जो कि क्विक सपोर्ट है, और एम्बिशन होस्टिंग का बहुत ही घटिया, ये काफ़ी आपको क्विक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। इंडिया का है, रांची का है, मैंने इसे क्विकली बात किया है, सारे मैंने चीज़ें पूछी हैं, सब कुछ इन्होंने सॉल्व किया है, और मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ। और इनका साइट का जो स्ट्रक्चर है, जो कि इनका जो कंप्लीट डैशबोर्ड है, जो कि बहुत अच्छा है, आप इनके साथ एफिलिएट में भी जुड़ सकते हो, ठीक है, इंस्टेंटली, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्रीमियम टाइप का मुझे लग रहा है हर चीज़। और प्लान्स देखो आप, कि आपको ये मात्र 45 रुपये का पड़ता है, ये एम्बिशन होस्ट से भी सस्ता है। तो देखो, मैं सिर्फ ये नहीं कहता हूँ कि आप सस्ते के पीछे जाओ, अब मिल क्या रहा है आपको, एम्बिशन होस्ट जो नहीं दे पा रहा है, जो कि आपको 3 डोमेन दे रहा है, ये आपको 45 में लगभग, ये कहाँ गया यार, ये आपको 20, यहाँ पे लिखा नहीं आ रहा है, बट आपको 20 सब डोमेन बनाने का मौका। अब 20 कम नहीं होते हैं बॉस, फिंगर देखो, आप स्विच कर सकते हो, ये बिगिनर वाला है, और धीरे धीरे आप स्विच कर सकते हो। कहाँ स्विच कर सकते हो, डीलक्स प्लान में। मैं एक बार ईयरली जाता हूँ, और ये आपको 540 रुपये पड़ेगा एक साल का, जो कि बहुत सही है। आपको फ्री XYZ डोमेन भी मिलता है, लेकिन ये गलती मत करना बॉस, आपको अगर पता नहीं है तो मत लेना, आप ये इनका फ्री XYZ छोड़ देना। मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ छोड़ देना, क्योंकि ये एक XYZ डोमेन, ये भी एक TLD डोमेन है, क्या बोलते हैं, GTLD डोमेन है, जो कि सही है, बट XYZ से बेटर एक्सटेंशन पड़ेगा डॉट साइट, और डॉट साइट ज़्यादा सस्ता है, बट इनसे नहीं। आपको जाना है सीधे नेमचिप पे, और डॉट साइट करके आपको कोई भी साइट जो कि आपका फेवरेट डोमेन हो वो आपको यहाँ पे बुक कर देना है, ठीक है, आपको परचेस कर लेना। आप इनको आप पेपाल वगैरह से पेमेंट कर सकते हो, और आपको मात्र पड़ने वाला है 81 रुपये, बहुत जाएगा ये,
यार एक मिनट प्लेन जा रहा है, एक सेकेंड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, देखते रहेगा, ठीक है। अब देखो सबसे अच्छी बात यह है ना कि आप ये पैसा देखिए, जो कि आपको 90 रुपये पड़ने वाला है, 70-80 पड़ने वाला है, 80-90 रुपये पड़ने वाला है। अब इनके एक साल के लिए इस आप अपने डोमेन को परचेस कर लोगे, ठीक है, एक साल के लिए। अब एक साल कितने लंबा टाइम होता है वो पता है? एक साल बाद जब आपको ये डोमेन जब एक्सपायर होगा ना, तो आपको सिर्फ पे करने हैं 148, मतलब घुमा फिरा के 150 रुपये पे करने हैं, जो कि बहुत अच्छा है यार। और सिर्फ यही नहीं, आप इसी डोमेन जो कि मेन डोमेन होगा, जो एक यूनिवर्सल डोमेन चूज़ करना, ठीक है, आपको इसी डोमेन के साथ अब लगभग 20 और भी वेबसाइट बनाओगे होस्ट पे के ये प्लान के साथ, ठीक है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, और जब आपका चीज आपका बिजनेस चलना स्टार्ट कर देगा, जब आप रन करना स्टार्ट कर देगा, आप कई सारे मल्टीपल साइट बना लोगे, उसमें से कोई ना कुछ तो चलेगा ही। और जब आपको लगेगा कि चल रहा है, तब आप अपग्रेड कर लेना। मैं कहता हूँ कि अगर कुछ नहीं भी चल रहा है ना, तो आपका डेटा पड़ा हुआ है, उसको आप अपग्रेड करता रहना, ठीक है, करते रहना। आप अगर कुछ नहीं हो पा रहा है, तो नॉर्मल वेब होस्टिंग बिगिनर वाले प्लान में अपग्रेड करना। बट अब आपको और भी सब डोमेन की ज़रूरत है, अब आपको 20 नहीं, 50 नहीं, अब आपको अनलिमिटेड सब डोमेन की ज़रूरत है। तो आप इनके डीलक्स प्लान, जो कि ब्लेजिंग फास्ट अभी इस वक्त प्रीमियम प्लान है, आप इस पर स्विच कर लेना। आपको ये पड़ेगा लगभग 2000 रुपया ईयरली। अभी देखो 2000 ये 540 रुपया 2000 रुपया अंतर है, बट 2000 में आप अनलिमिटेड सब डोमेन, मतलब आपको डोमेन खरीदना नहीं है, आपको डोमेन वोमेन खरीदना नहीं है, आपका ये डोमेन है, ठीक है, आपको उन्हें रजिस्टर किया था एक साल के लिए, आप उसी डोमेन के साथ और भी अनलिमिटेड साइट बना सकते हो। तो मैं अगर स्विच करूँगा 540 से, तो सीधे करूँगा डीलक्स पे, अदरवाइज मेरे इसी पे रहेगा, या फिर मैं इसको बंद नहीं करने वाला हूँ। एक सी पैनल आप सभी के पास होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, मुझे बहुत रिक्वायरमेंट लगी, इसलिए मैं आज इसमें परचेस करने जा रहा हूँ, ठीक है। और ये तो भाई कमाल का प्लान है, जो कि अनलिमिटेड आप सब डोमेन होस्ट कर सकते हो, और सब कुछ अनलिमिटेड है, होस्ट वन वेबसाइट। अच्छा, इसमें सब में एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, लेकिन होस्टिविक में हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें एक वेबसाइट ही करना है, और साथ में अगर हमें सब डोमेन अनलिमिटेड, क्योंकि हमें हमारा एक ही, देखो हमारा क्या है ना कि एक ही साइट रहेगा, और बात ये है ना कि जब एक ही साइट है, तो आप इसे 5 साल नहीं 10 साल के लिए एक बार में पैसा दे देना नेमचिप को, कि 10 साल तक आपको कोई टेंशन नहीं है, 10 साल तक आपका ये फेवरेट डोमेन हो चुका है, जो कि डॉट साइट के साथ में है और बहुत सस्ता भी है, और ये 10 साल के लिए आपने एक बार में पेमेंट कर दिया। अब 10 साल के लिए, जो कि बहुत लंबा टाइम होता है, वो आपका हो गया, और 10 साल तक बस आपको हर साल आपको होस्टिंग रिन्यू करना है, और पता नहीं कितना कुछ कर सकते हो यार, ठीक है। और बात रही अगर वन वेबसाइट की, तो अगर कुछ आपको ट्रायल व्रायल करना है, तो आप होस्ट जीबी के साथ में जा सकते हो, कि हाँ आपका कोई दूसरा कोई डोमेन मिल गया, आप कुछ अलग ट्राई कर रहे हो, तो होस्ट जीबी के साथ में जा सकते हो फ्री वाले में, ठीक है। बाकी पेड वाले में अगर आना है, होस्टफिक इज़ द बेस्ट। मैं आपको अब ये सारा टैब काट करके मैं होस्टिंग और सब बढ़ा देता हूँ। ये बस होस्टफिक और नेमचीप होने वाला है, इस पर मैंने पहले भी वीडियो किया था, और ये इस ब्लॉग वीडियो में मैं आपके सामने एक होस्टिंग परचेस करने जा रहा हूँ। मैंने अपना सारा का सारा पैसा इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं गरीब हूँ उस समय, तो मैं सारा का सारा पैसा इस्तेमाल करूँगा, और मैं इनका एक्स वाई जेड अभी नहीं लूँगा। ये बाद में आपको मिल सकता है, नहीं मिल सकता, आई डोंट नो, मुझे पता है कि मिल सकता है, इन बात किया था मैंने, बट मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या ज़रूरत पड़ेगी तो मैं देख लूँगा। बट अभी के लिए फ़िलहाल हम इस प्लान को परचेस करेंगे, और हम यूज़ करने वाले हैं क्लाउड फ्लेयर SSL के लिए, जो कि कम्प्लीटली फ्री SSL होने वाला है चारों तरफ। तो ये देखिए आपका प्लान आ चुका है, मैं पैसे से पहले लॉग इन कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं पेटीएम पेमेंट बैंक से पे कर दूंगा। सबसे अच्छी बात है कि इंडियन कंपनी है, आप पेमेंट वगैरह UPI से कर सकते हो, तो कोई एक्स्ट्रा आपको चार्ज लगने वाला नहीं है। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट है, आपको 540 नहीं, आपको मैं और सस्ते में दिलवा दूंगा, जब आप मेरा कूपन कोड डालोगे, वो खासकर मेरा ही कूपन कोड है, और आप में काम करेगा, ठीक है। अब जब होस्टपी पे जाओगे, तो आपको डालना एक कूपन कोड, मैं आपको लिख के देता हूँ, स्टिकी नोट में नहीं, नोट पैड में कर लेता हूँ, आपको डालना है, यार ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, एक नया को लेता हूँ, SB10, ये नहीं यार, SB10। अब इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, कैसे बड़ा होगा, ये बड़ा होगा कि नहीं होगा, बड़ा हो रहा है, तो ये है, ये इतना ही बड़ा हो रहा है, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ 20 में, ये कोड आपको डालना है, कूपन कोड जब आप लेने जाओगे, तो मैं अपना एक कूपन कोड डाल के देखता हूँ कि लेता है कि नहीं, अगर कुछ सस्ता हुआ तो मैं दिखाऊंगा आपको। तो मैं जाता हूँ सर्विस में, आप जब होस्टिंग करने जाओ, बस आपको होस्टिंग ही लेना है होस्टफिक से, और बहुत अच्छा इनका डैशबोर्ड मुझे लगा है, तो मैं आ जाता हूँ, मेरे पास अभी कोई सर्विस नहीं है, तो मैं अभी सर्विस पर क्लिक करता हूँ, ऑर्डर न्यू सर्विस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, ऑर्डर न्यू सर्विस,
और मेरे पास ये आ गया है 45 रुपीज़ वाला प्लान, जो कि मेरा फेवरेट प्लान होने वाला है अभी के लिए। और ये बोल रहा है कि रजिस्टर इन न्यू डोमेन, ट्रांसफ़र योर डोमेन फ्रॉम अनदर रजिस्ट्रार। मैं ट्रांसफ़र भी नहीं करना चाहता हूँ, रजिस्टर भी नहीं करना चाहता हूँ। आई विल यूज़ माई एग्जिस्टिंग डोमेन, क्योंकि मैं बस ऑलरेडी पढ़ा हुआ है डोमेन, क्योंकि मैंने जानबूझ के बाय किया था और मैं आपको दिखाता भी हूँ। मैं चलता हूँ अपने डैशबोर्ड में, साइन इन कर लेता हूँ। ये साइन इन कर लिया मैंने। ये लाइव वीडियो है बाय द वे, तो ध्यान से देखिएगा आप। इसका फ़ायदा जो है कि बहुत ही तगड़ा फ़ायदा उठाने वाले हो। अब देखिए, मैंने एक जो डोमेन परचेस किया था, पूरा व्लॉग वीडियो बनाया था आपको कैसे परचेस करना चाहिए, कौन से डोमेन से जा सकते हो, पूरा रिसर्च मैंने दिखाया था आपको। साथ में मैंने ये भी एक पेड वीडियो बनाया था कि मैंने एक डोमेन बाय कर लिया जिसका नाम है openreport.site, और यही डोमेन मैं यूज़ करने वाला हूँ। मैं साइट डाल देता हूँ यहाँ पे, अरे बड़े लेटर में नहीं यार, openreport.site use your domain, the domain you enter is not valid। ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसमें डॉट लगा देता हूँ। ओ ये हटाना पड़ेगा मुझे, यहाँ से हटाना है, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया। और अब देखिए, अब ये आ चुका है, ऑन हो चुका है। अब ये क्या बोला, कन्फिगर, ठीक है, ये कंटिन्यू करूँगा मैं और पे कर सकता हूँ। और इसमें मुझे वन वेबसाइट मौका मिलता है, 10 GB का मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड ये SSD फास्ट SSD है। XYZ डोमेन मिलता है, जो कि हमें नहीं, कौन है भाई, मुझे लगा कोई है। तो आपको ये करना है, XYZ डोमेन, अनलिमिटेड फ्री SSL, और अनलिमिटेड फ्री SSL आपको मिलेगा इसी में, लाइट स्पीड सर्व, अनलिमिटेड ट्रैफिक, अनलिमिटेड TVB बैंडविड्थ, अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट्स, अनलिमिटेड FTP, MySQL, सब डोमेन, अनलिमिटेड सब डोमेन इसमें लिखा हुआ है, बट ऐसा है नहीं। ये इस प्लान में मुझे लगभग 20 मिल रहे हैं, जो कि बहुत मिल गया है। 20 आप वेबसाइट बना लोगे, ठीक है, आप इंपॉर्टेंट वेबसाइट ही बनाना, ऐसे आलतू फालतू कोई भी पेज होस्ट मत कर देना, ठीक है। फ्री जेट बैक अप, फ्री SSL एंड CDN, क्लाउड फ्लेयर प्रोटेक्शन, मालवेयर स्कैनर, फ्री इम्यूनिटी, 360 सिक्योरिटी, 7 डेज मनी बैक गारंटी, 24/7 सपोर्ट, 99% अप टाइम। अब हम यहाँ इनका, मैं कर लेता हूँ ये ड्रॉप डाउन, चूज बिलिंग साइकिल में आपको जाना है, एक इस पे जाना है 540 फ्री डोमेन, जो कि एनुअल है, ठीक है, ये सेमी एनुअल, आपको 540 सेलेक्ट करना है। और ये हो गया 540, मैं करता हूँ कंटिन्यू, और अभी हम इसको पे करेंगे, ठीक है। आपकी आईडी है, आपने कार्ड में सब कुछ ऐड कर लिया। अभी प्रोमो कोड देखता हूँ कि मेरा वाला काम करता है कि नहीं। आपको यही प्रोमो कोड डालना है, और ये प्रोमो कोड अप्लाइड हो चुका है, तो 540 नहीं, अब मुझे पड़ रहा है 486 रुपीज़। अगर मैं कैलकुलेटर खोलूँ तो कितना फ़ायदा हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आपको यही, आपको भी डालना है, ये मेरा ही है, खासकर मैंने बनवाया है। अगर आप फर्स्ट टाइम परचेस करने जा रहे हो तो आपको और कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि मेरा ही डालना पड़ेगा। तो 540 माइनस 486, 54 रुपये का फ़ायदा हो रहा है दोस्तों, 54 रुपये कम नहीं हो रहे, 54 रुपये एटलीस्ट कम से कम सेव तो कर रहे हो, ठीक है। तो आप यही करना, SP 10% ऑन टाइम डिस्काउंट, आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है, 10% आपको मैंने कैलकुलेटर में दिखा दिया है, आपको ये डालना है। और बहुत ही सस्ता और बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं ये लोग यार, ठीक है, मैं पूरा बातचीत कर चुका हूँ इनसे। चलो चेकआउट, मैं बहुत ही पसंद कर रहा हूँ इनको, और आज मैं इनका परचेस करता हूँ। तो मैं पे करूँगा UPI एंड वैलेट, एडिशनल नोट्स में अगर आप कुछ देना चाहते हो इनको तो दे सकते हो। फिलहाल के लिए मैं करूँगा कंप्लीट ऑर्डर, ठीक है। कंप्लीट ऑर्डर में यू मस्ट एक्सेप्ट द टर्म्स, ओके चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं भाई। टर्म्स एंड कंडीशन कहाँ है, टर्म्स एंड कंडीशन कहाँ है भाई, यू मस्ट एक्सेप्ट आवर टर्म्स ऑफ सर्विस, टर्म्स ये रहा टर्म्स ऑफ सर्विस, चलो कोई बात नहीं। दिस ऑर्डर फॉर्म इज प्रोवाइडेड इन सिक्योर एनवायरनमेंट एंड हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्रॉड इन योर करंट IP। मैं इसमें एडिशनल नोट्स अभी कुछ तो समझ नहीं आ रहा है, बट अभी कुछ है ना देने को, तो मैं UPI वैलेट से पे करता हूँ उससे फटाक से। और पेटीएम बैंक में मेरे पैसे रखे हुए हैं, तो मैं इसे पेटीएम से स्कैन कर दूंगा या तो सीधे, या फिर मैं UPI से पे कर दूंगा, जो भी ऑप्शन आता है मुझे यहाँ पे। तो मुझे ऑप्शन यहाँ पे स्कैन का आया, और फ़ोन मेरे हाथ में, जो कि मैं PC से कर रहा हूँ, तो मैं पेटीएम स्कैनर खोल लेता हूँ दोस्तों। बहुत ही सिक्योर, बहुत ही बढ़िया, और बहुत ही बढ़िया पेमेंट का ऑप्शन, सीधे स्कैन, कोई भी कुछ आलतू फालतू पैसा नहीं खाया जा रहा है यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छी बात है। पेटीएम बैंक मैं करता हूँ पेमेंट, और ये रहा मेरा पेमेंट, और ये किया मैंने उनको पे सीधे। आपको आवाज़ आई होगी मेरे ख्याल से, हाँ ओके, और आपके सामने फर्स्ट टाइम
डायरेक्ट चेक मार्क, ओके वेरी नाइस, 486 रुपीज मैंने पे कर दिए हैं होस्टफिक को, जो कि मेरा फेवरेट अभी के लिए होस्टिंग साइट है। अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है होस्टिंग के साथ में, क्योंकि होस्टिंग अपने होस्टिंग आपने बहुत बार सुना हुआ है, बट आपको एक सी पाना चाहिए, और आपने हमेशा सुना हुआ है कि एक पेड होस्टिंग ही अच्छा होता है, क्योंकि आपको सपोर्ट अच्छा मिलता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि सिक्योर होती हैं, और पेमेंट कर रहे हो तो भाई कुछ बात अलग होती है, ठीक है। तो फ्री वाले मत जाना भाई, वो कुछ भी हो सकता है, फ्री वाले पे तो कभी मत जाना। अगर फ्री वाले में जाना होता तो मैं पेमेंट नहीं करके परचेज नहीं करता। ये है, कितना ही लग रहा है यार, इतने कम में आपका काम हो गया। अब ये लॉग आउट मुझे हो गया, बट मैं आपको चक्कर दिखाता हूँ, क्योंकि फुल सपोर्ट है और ये पेड हो चुका है, कोई दिक्कत बात नहीं है। आप देख सकते हो कि 486 रुपीज मैंने मिल चुका है, और मेरे पास लगभग 600 रुपये थे, मैं देख लेता हूँ कितना बचा है मेरे पास। बैलेंस एंड इंक्वायरी 133 रुपये खाने पीने के लिए छोड़ दिया है, बच गया है मेरे लिए, और चलो ठीक है, इनवाइस मिल गया मुझे पेड टू रांची झारखंड में है ये इनका, ओके। और UPI वगैरह से मैंने पेमेंट कर दिया है, वेब स्टार्टर पैक है, और मेरा ये कोड में लगा हुआ है, और वगैरह 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 वगैरह। तो अभी हम चलते हैं client.hostofi.com पे, एक बार देख लेते हैं कि खुल रहा है कि नहीं। तो क्लाइंट एरिया में मैं आ चुका हूँ, और मुझे एक सर्विस मिल चुकी है, योर एक्टिव प्रोडक्ट सर्विस इज दिस, रिसेंट सपोर्ट टिकट वगैरह वगैरह सब कुछ दे सकते हो। ये क्या है, एक्टिव प्रोडक्शन सर्विस, लॉग इन टू सी पैनल में ऐसे कर सकता हूँ, या फिर व्यू डिटेल दे सकता हूँ। तो ये मेरा साइट है अभी के लिए, मैं इसको खोलता हूँ। ये ऑलरेडी मैंने इसको नेमचीज से बाय किया हुआ था, इस तरह खुलेगा, और मैंने इसको क्लाउडफ्लेयर से इसको मैंने सिक्योर भी किया हुआ, और सिक्योर वाला वीडियो भी मैंने बनाया था। तो आपको सब कुछ मिल जाएगा जो जो मैंने किया है इस चैनल पे, कंप्लीट में काम करता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं चलता हूँ, अभी आपको ये सी पैनल टाइप का अंदर दिख रहा है, अगर आपको सी पैनल के अंदर ही जाना है तो ये इनका सी पैनल, लॉग इन टू सी पैनल, और ये सी पैनल का इनका खुल गया, और राइट वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। और ये रहा इनका सी पैनल, और लिखा हुआ कि चूज ए स्टार्टिंग पॉइंट, रिस्टोर फ्रॉम बैकअप एक्सप्लोर अकाउंट, मैं करता हूँ कट, और ये सी पैनल LLC यूजर इंटरफेस, और ये क्या है पता नहीं, LLC यूजर इंटरफेस हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ डू कस्टमर यूज सी पैनल, इसको मैं अलाउ कर देता हूँ। चलो ये अब आपको इस तरह से सी पैनल मिल जाता है, जो जो आपका सी पैनल आप चारों तरफ देखते हो वो सी पैनल यहाँ पे आ चुका है। और अच्छी बात ये है, सेल्फ साइन सर्टिफिकेट लगा हुआ था इसमें, तो ये ऑलरेडी आ चुका है। और अभी मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ डोमेन, ये इतना डोमेन, सब डोमेन का लिखा गया नहीं, बट आप डोमेन में जाओ, ठीक है, और डोमेन में जाके आप क्रिएट न्यू डोमेन कर सकते हो, क्रिएट न्यू डोमेन आप 20 कर सकते हो, और 20 पे अपनी साइट्स को बना सकते हो। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये आप होस्टोपिक से परचेज कर लो, एक नंबर का है, एक नंबर मैं बताता हूँ आपको, सस्ते में बढ़िया है। आप मैं कुछ दिनों से इसको फॉलोअप कर रहा था मैं, बट अभी फाइनली इसको मैंने लाइव आपके सामने लिया, वीडियो बनाया। SB10 अप्लाई करना है, SB10 आपको 10% का छूट मिल जाएगा। और क्या चाहिए यार, 500 रुपये में आपको एक साल का होस्टिंग मिलता है। साथ में मैंने आपको तरीका बताया कि आप होस्ट नेमचीप से एक डोमेन बाय कर लो, जो कि साल भर में आपको कितना पड़ रहा है, 90 रुपये पड़ रहा है। तो 590 लगभग 600 रुपये में आपका एक साल का दोनों हो गया। साथ ही में अब आपको डोमेन बाय करने की जरूरत नहीं है, अब मल्टीपल काम करना, और जो जो भी प्रोजेक्ट मैं आपको बताऊंगा अपने चैनल पे कि ये मैंने किया वो मैंने किया, वो सारी वीडियो आएंगी। अगर मैं डॉक्यूमेंट्री वीडियो बना ही रहा हूँ तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मैं भी करना क्या चाहता हूँ, ठीक है। ये मैं सी पैनल पे आ चुका हूँ, और अभी मेरा ये मेन डोमेन है, मैं करूँगा एक क्रिएट न्यू डोमेन, जो मुझे करना था और आप सभी के लिए एक एक, एक, एक सर्विस लानी थी। तो ये देखिए, मैंने अभी इसको मैंने किया हुआ था होस्ट, ठीक है। ये आप सभी के लिए है, कम्प्लीटली फ्री है, आप सभी के लिए मैंने खुद से बैठ के टाइम देके बनाया है। ये क्या है, आप जब भी एक अफिलिएट साइट बनाते हो ना, तो आपको ये चीज़ मिल जाती है, आपको प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स और कंडीशन बनाने की अलग से जरूरत नहीं है, आपका टाइम सेव करता है ये टूल। तो मैंने एक तरह से टूल बनाया है, बड़ी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट है, आपको उसको बार बार यूज कर सकते हो। और इसका मैंने ये होम पेज पूरा वर्डप्रेस से बनाया था, बट नेटलीफी पे होस्टिंग है, बट अभी इसका मुझे थोड़ा सा चेंज करना डोमेन के साथ में, और इसको थोड़ा सी पैनल में घुसाना है। बाय द वे, मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं करने वाला हूँ, बस मैं आपको इसको मैं थोड़ा सा बंदी कर देता हूँ, ठीक है। वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं इसको अब सी पैनल में डालना चाहता हूँ, थोड़ा अच्छे नाम के साथ, ताकि ये गूगल पर रैंक भी हो और सबकी यूज़ में भी है। तो मैं लोगों तक पहुँचाने के लिए इतना किया, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो कि मैं करूँगा, तो मैं इसको नाम देना चाहता हूँ फ्री प्राइवेसी
पॉलिसी फॉर एफिलिएट्स। एक बार आप स्पेलिंग वगैरह जरूर चेक कर लेना, क्योंकि मैं सीधे अब डोमेन टारगेटिंग करना चाहता हूँ, डोमेन के नाम को टारगेट करना चाहता हूँ, ताकि जब कोई गूगल पे सेम चीज़ सर्च करेंगे ना, देखो जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी फॉर एफिलिएट मार्केटिंग, अब ये ब्लॉग आ गया, ठीक है। अभी क्या हो सकता है कि मेरा साइट यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि खासकर मैंने एफिलिएट्स के लिए बनाया यहाँ पे, तो फ्री प्राइवेसी पॉलिसी या फिर प्राइवेसी पॉलिसी या फिर फ्री प्राइवेसी पॉलिसी फॉर एफिलिएट्स, ये एफिलिएट्स, ठीक है, ये सही स्पेलिंग है। तो इसको मैं कॉपी करूँगा दोबारा और यहाँ पर रखूँगा, और मैं सारी स्पेस को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अब ये थोड़ा दिखने में बड़ा तो ज़रूर हो गया, बट ये कि काम का है। अगर ये रैंक हो जाता है कि डॉट साइट जो है डोमेन एक्सटेंशन, वो मतलब GTLD है, मतलब कि अच्छा खासा डोमेन एक्सटेंशन है, और खासकर इसमें मैंने ओपन रिपो लगाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि रिपो मतलब रिपोजिटरी होता है और ओपन मतलब फ्री होता है बाय द वे, तो ओपन रिपो डॉट साइट, तो इसमें और थोड़ा बढ़ने वाला है इसका, मतलब ये कि फ्री प्राइवेसी पॉलिसी फॉर एफिलिएट्स डॉट ओपन रिपो डॉट साइट, इतना बड़ा होने वाला है। बट इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब ये रैंक हो जाएगा तब आपके मज़े हैं, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा था, फ्री प्राइवेसी पॉलिसी फॉर फॉरसी फॉर आगे मैं अफिलिएट कर सकता हूँ, अफिलिएट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, अफिलिएट इतना भी कर सकते हैं, तो गूगल समझ जाएगा। फ्री प्राइवेसी पॉलिसी अफिलिएट्स डॉट ओपन रिपोर्ट डॉट साइट, कैसा लग रहा है? फ्री प्राइवेसी पॉलिसी अफिलिएट्स डॉट ओपन रिपोर्ट डॉट साइट। और ये मैं क्या है, द डोमेन नेम मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट टू लेवल्स डॉट ओपन रिपो डॉट साइट, सही है, ओके। अभी सबमिट का ऑप्शन आ चुका है, तो ये मेरा कंप्लीट होने वाला है डोमेन, ये इतना बड़ा दिखने वाला है आपको। अभी खुल ही रहा है, खुलेगा आपके सामने खुलेगा। फ्री प्राइवेसी पॉलिसी, या फिर मैं कर लेता हूँ उसको और छोटा कर सकता हूँ, प्राइवेसी पॉलिसी कर लेता हूँ, फ्री नहीं, प्राइवेसी पॉलिसी अफिलिएट फॉर अफिलिएट्स ओपन रिपो प्राइवेसी, फ्री प्राइवेसी पॉलिसी डॉट फॉर अफिलिएट्स हटा सकता हूँ मैं, और फ्री प्राइवेसी पॉलिसी थोड़ा सा छोटा कर देंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो सकता है, बट अगर पूरा रहेगा तो, अरे ये बन गया, तो ये बन गया, मुझे इंटर प्रेस हो गया था, तो इतना बड़ा सा थोड़ा सा छोटा हो जाएगा ये, जैसे कि अच्छा बन गया तो मैं इसे डिलीट भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि यार बन गया तो बन गया। फ्री प्राइवेसी पॉलिसी, फ्री प्राइवेसी पॉलिसी डॉट ओपन रिपो, ये आ गया फ्री प्राइवेसी पॉलिसी डॉट ओपन रिपो डॉट साइट, तो बुरा नहीं है, अच्छा है, लेंथ इसका अच्छा लग रहा है और पढ़ा भी जा सकता है इसको फ्री प्राइवेसी पॉलिसी करके। तो मैं इस पे अब एक साइट आपको बना के दिखाता हूँ, जो कि मेरा है और आप सभी के लिए ये सर्विस ओपन है, तो इसका मैं बैकअप रखा हुआ हूँ, मैं बस मुझे यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, मैं इस पे जाऊँगा, ये खुला नहीं, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, और मैं जाता हूँ सक्सेसफुली क्रिएटेड, और मैं जाता हूँ फाइल मैनेजर में, ठीक है, फाइल मैनेजर में जाते हैं, और इसके हमको बाहर पेस्ट करना है। चल यार क्यों नहीं चल रही है तू, एक काम करते हैं एक बार जाते हैं, अगर नहीं खुलेगा तो फिर दोबारा खोलेंगे इसको। चलो नहीं खुला, कोई बात नहीं, तो मैं क्या करता हूँ इसको, मैं करता हूँ सी पैनल में क्लिक, मैं जाता हूँ यहाँ पे, और आपको यहाँ से क्लिक करना है, जाना है प्राइवेसी सॉरी ये इसके फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर कहाँ है यार, ये रहा फाइल मैनेजर, और अब हम फाइल मैनेजर में जाएंगे, और आप देख सकते हो कि अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है, ये आ रहा है यहाँ पे, आपको यहाँ भी दिख जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इसके अंदर आ गया, या फिर मैं चलता हूँ होम पे, आपको दिखाता हूँ एक बार, इसके अंदर क्लिक करूँगा यहाँ बॉक्स में, ये आ गया। अब आप मुझे यहाँ पे अपनी फाइल को डाल देना है, इसको मैं डिलीट भी नहीं करूँगा, ठीक है, मैं डिलीट करने वाला इंसान नहीं हूँ, और जब भी आप डालो फाइल को तो मेक श्योर कि अनजिप होना चाहिए, तो या तो आप यहाँ पे आके अनजिप कर दो या फिर पहले से कर दो अनजिप। तो मैं ये सारे लैंडिंग पेज बनाए थे, और इसमें से मैं फ्री प्राइवेसी पॉलिसी बैकअप, ये बैकअप है यार, ये नहीं, ये कौन सा बैकअप है, ये तो नहीं, बैकअप नहीं चाहिए था मुझे यार। ओके ओके ओके
ओके अभी तक ये बैकअप है पता नहीं, एक बार इसको मैं VM, ये नहीं तो सीक्रेट मेल रिडीम कोड जनरेटर मैंने लगाया तो था बट आई थिंक वो कहाँ गया। यार यहाँ पे तो मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ यार कि अब बैकअप जिप्स कि यहाँ भी ये भी बैकअप है वर्डप्रेस। एक काम करते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, या तो मैं इसमें वर्डप्रेस का लगा दूंगा या मैं सीधे इसमें सब डाल दूंगा और हमारा काम तैयार हो जाएगा। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। और फिलहाल मेरा काम अभी फ्री प्राइवेसी पॉलिसी बनाने का था जो कि एफिलिएट में काम आती है, और भी कुछ अगर टूल्स वेबसाइट बनाया है मैं अगर इस्तेमाल करके अपने ब्रेन या फिर ChatGPT को, तो मैं वो भी यहाँ पे खड़ा करूँगा इसके अंदर, ठीक है, होस्टोफी के अंदर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ये लास्ट वाला पार्ट थोड़ा बोरिंग था आई नो, बट ट्रस्ट मी अगर आप होस्टिंग सर्च कर रहे हो, होस्टोफिक इज़ अ गुड चॉइस, होस्टोफिक इज़ अ गुड ऑप्शन, ठीक है, होस्टोफी पे आ जाओ, ये एक नंबर का है। मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इतना सारा एड्रेस वगैरह वगैरह हटा ही देता हूँ मैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत है, ठीक है, जॉइन लिंक्स, ठीक है, लास्ट नेम एड्रेस, लास्ट नेम चलो कर देते हैं, और कॉलेज, कॉलेज, ठीक है, चलो सेव चेंज। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मैंने बाय कर लिया, आप भी बाय करो, और बाकी ये नहीं बढ़ने वाला है मेरा, ठीक है, यहाँ पे तो नहीं, टिकट बढ़ सकता है, इनवॉइसेस बढ़ सकते हैं, ये डोमेन नहीं बढ़ने वाला है, डोमेन जो बढ़ेगा नेम चिप भी बढ़ेगा, बस इतना कहना था आपसे। होस्टिंग में जाओ, देखो आप इसका कितना अच्छा लग रहा है, इसका 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 जो पूरा जो डैशबोर्ड है कितना सुंदर दिख रहा है, साथ में आपको डायरेक्ट यहाँ से एफिलिएट, यहाँ से ओपन टिकट कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, डोमेन वगैरह परचेज कर सकते हो, बट यहाँ से लेना मत, डोमेन मत ही लो, क्योंकि वैसे भी वन डोमेन आपको ऑप्शन मिलता है, चाहे प्रीमियम हो चाहे छोटा हो कोई प्लान हो, तो डोमेन आप एक ही बाय करो, एक ही लगाओ और एक ही से पूरा का पूरा इंडस्ट्री हिला दो, ठीक है। मिलते हैं इस वीडियो में, सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ही काम काम के वीडियोज़ यहाँ पे आएंगे।